Welcome to Knowledge Library Science. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बी का कोर्स जिसमें हम इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इग्नू के बच्चों के लिए है वो सब बच्चों के लिए इग्नू के बच्चों के लिए भी है जो इग्नू से बी कर रहे हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कर रहे हैं बी का कोर्स उनके लिए भी बहुत बेनिफिटेड है तो ये जितने हो सके इस कोर्स को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इसको प्रमोट करो ये सब के लिए बेनिफिटेड है ठीक है तो हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट पहुँचेंगे ठीक है तो मैंने स्टार्ट किया है अभी बी एल आई टू टू वन से ठीक है ये हमारा पहला uh, वीडियो है इंट्रोडक्शन का तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे रही हूँ उसमें कि हम स्टार्ट कर रहे हैं टू टू वन से जिसमें हम अभी स्टार्ट करेंगे यूनिट वन लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज़ ठीक है तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से जिसमें हम पहले हम पढ़ेंगे मॉडर्न सोसाइटी सम कैरेक्टरस्टिक्स उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी इंफॉर्मेशन एंड इंपैक्ट ऑन सोसाइटी इंफॉर्मेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा है सोसाइटी में ठीक है ये हम पढ़ेंगे चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट -फड़ हम पढ़ेंगे और जितनी जल्दी हो सके नॉलेज को गेन करेंगे ठीक है तो हम चलते हैं ये रहा हम मॉडर्न सोसाइटी में आ गए मॉडर्न सोसाइटी बेसिकली मॉडर्न सोसाइटी क्या है वी आर लिविंग इन न्यू एरा हम एक न्यू एरा में रहते हैं जहाँ पर सेल्फ़ कॉन्शियसनेस सोसाइटी का इन्वॉल्व हुआ है क्या है हुआ है सेल्फ़ कॉन्शियसनेस ठीक है मॉडर्न सोसाइटी का नाम हमने इसको इसलिए दिया है क्योंकि हम हमारा जो जो कंज्यूमर है आज का वो डिफ़रेंट है कल के कंज्यूमर से ठीक है कल के कंज्यूमर से आज का कंज्यूमर डिफरेंट है इसलिए हमने इसको नाम दिया है मॉडर्न सोसाइटी इसमें क्या चेंजेस आए हैं लाइफ चेंजेस आए हैं जो कि इस लेके आता है इसके चेंज इन डिमांड में ठीक है जो कि गुड्स और सर्विसेज सर्विसेज और गुड्स की जो डिमांड है वो चेंज हुई है चेंज चेंजिंग द कंज्यूमर मार्केट जो कि मार्केट में चेंज हुआ है ठीक है इन द प्रेजेंट डे आजकल के दिन में जो हम लोगों को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है बहुत लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजह से आज हमारा लिटरेसी रेट क्या हुआ है इम्प्रूव हुआ है क्या हुआ है इम्प्रूव हुआ है ठीक है तो आजकल जो सोसाइटी में जो लोगों के पास घर हैं वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लोगों के पास ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास रेडियो टेलीफोन टेलीविजन सेट और कंप्यूटर नहीं है जो कि सिग्निफाई करता है किसको मॉडर्निटी को सिग्निफाई करता है ठीक है आजकल इवन स्कूल में भी कंप्यूटराइज को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसकी टीचिंग मिलती है बच्चों को और वो लर्न कर पाते हैं ठीक है इन फैक्ट द कंज्यूमर टुडे इज़ बेटर इन्फॉम्ड आजकल का जो कंज्यूमर है वो बेटर इन्फॉम्ड है और बहुत ही अवेयर है अपने इन्वामेंट के ऊपर एंड ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर ठीक है मॉडर्न सोसाइटी जो है जेनरली इज फॉर आर ऑर्गनाइजेशन एंड नेशन टू ग्लोबलाइज एंड वर्क इन आर बर्डर लेस ओपन मैनर वो बर्डरलेशस इन्वायरमेंट में काम कर पाता है ग्लोबली और आज कल जो, जो जोग्राफी है टाइम और एंड कल्चर बैरियर आर नो लॉन्गर इशू ऑफ कंसर्न जो हमारा जोग्राफिकल एक इशू था कि हमारे पास टाइम नहीं है टाइम कंज्यूमिंग है है ना कल्चरल बैरियर है तो वो चीज़ें आजकल इशू नहीं करती है ठीक है आजकल हमारे पास जोग्राफिकल बैरियर्स भी नहीं है पीपल आर इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अक्रॉस द बॉर्डर्स जो लोग हैं वो कम्युनिकेट uh, कर पा रहे हैं अक्रॉस द बाउंड्रीज ठीक है तो अक्रॉस द बॉर्डर्स वो बाउंड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे का कल्चर को समझ पा रहे हैं एक दूसरे डिस्टेंस होने के वजह भी वो अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके डेवलप कर पा रहे हैं अपने आप को दे आर एबल टू टैप टैलेंट एक्सपर्टाइज एंड कंटेन फ्राम अ वर्वायॉयर ऑफ रिसोर्स वो अपने आप को खुद में एक रिजर्वायर बना पा रहे हैं रिसोर्स का जो कि जहाँ पर लोग अप, ए, अपना टैलेंट शेयर कर पा रहे हैं एक्सपर्टाइज हो पा रहे हैं किसी चीज में बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बेटर एजुकेशन इन एजुकेशन वेरिएशन फ्राम प्रीवियस नॉर्म्स इज बिकमिंग एज समथिंग टू बी कॉन्शियसली प्लान्ड इन एडिशन टू ऑल दीज डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन कंज्यूमरइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसज एंड चेंजिंग एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन सोशल एंड कल्चरल एरिना द मॉडर्न सोसाइटी हैज़ वेराइट नीड नाट द लीस्ट ऑफ विच इज़ एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन है वो सिर्फ आपको इंफॉर्म्ड नहीं कर रहा है वो आपको कल्चरली भी कनेक्ट कर रहा है ठीक है एजुकेशन हेल्प टू मॉड वेल्ड इंफॉर्म्ड नॉलेजबल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हु विल बी एबल टू टू प्रोग्रेस एंड एडवांस ऑफ द नेशन अगर आप एक नॉलेजिबल पर्सन होगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाओगे जो कि कंट्रीब्यूट करोगे अपने प्रोग्रेस को लेकर और अपने उससे आप अपने नेशन को भी एडवांसमेंट दोगे अगर आप इम्प्रूव करोगे तभी आप अपने नेशन को कुछ दे पाओगे तो इसका मतलब वही है देर इज़ अ गोल ऑफ इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ सोसाइटी सर्टेनली एक्टिविटीज टूअर्ड दिस एंड मस्ट बी सस्टेन्ड बाय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ब्रॉट अबाउट बाई रिसर्च एंड इन नॉर्मियस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इट मेक्स अवेलेबल टू अस ठीक है ये सब क्यों हो पा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से हम और भी ज़्यादा रिसर्च कर पा रहे हैं इन अमाउंट ऑफ नॉलेज हमें मिल रही है अवेलेबिलिटी बहुत हो रही है देखिए इन्फॉर्मेशन इज़ मेक अवेलेबल फॉर अस इंफॉर्मेशन जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो पा रहा है इन अदरवाइज एफर्ट्स आर अफूट टू इन्वॉल्व इन अ सोसाइटी विच इज़ विच इज़ मॉडर्न एंड विच us अस टू लीड prosperous and एंड फुल लाइफ emphasis ऑन certain वैल्यूज़ इट इज़ a कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी टू मेक सुटेबल अरेंजमेंट फॉर अचीविंग दिस जैसे कि इट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब जानते हैं एक कोई एक पर्सन नहीं है जो सोसाइटी बनाता है हम सब मिलकर सोसाइटी बनाते हैं ठीक है तो ये हर किसी के ऊपर होता है कि वो एक um, वेल well इन्फॉर्म्ड हो जाए अपने आप को प्रोग्रेस करे और अपने नेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं रोल ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी व्हेन थिंकिंग ऑफ लाइब्रेरीज़ पीपल हैव मेनी डिफरेंट इमेजेस इन फ्रंट ऑफ देम, जैसे कि हमारे दिमाग में भी होता था कि लाइब्रेरीज़ uh, कैसे होती है मतलब कैसी दिखती है तो सबसे पहले हमारे पास अगर कोई इमेज आती है तो वो बुक्स की आती है ठीक है तो बाय स्टेपिंग बैक फ्रॉम इंडिविजुअल केसेस एंड एग्जामिनिंग द कंटेक्ट इन विच लाइब्रेव सर्विस आर प्रोवाइडेड एंड ट्रेंड विच आर लाइकली टू अफेक्ट देम इन फ्यूचर इट इज़ पॉसिबल टू अराइव अ सम कंक्लूजन अबाउट लाइबरीज हाउ लाइब्रीज रोल आर लाइकली टू बी डेवलप्ड एंड टू स्टार्ट टू आंसर द सेंट्रल क्वेश्चन डू लाइब्रीज अ सेंट्रल रोल टू प्ले आर और आर दे इन फैक्ट सिंपली सिंपली एनाक्रोनिज़म ब्रोफ़ी आइडेंटिफाई फ़ोर मॉडल्स ब्रोफ़ी ने चार मॉडल कंटेक्स किए थे जो कि है रोल ऑफ लाइब्रेरीज लाइब्रेज़ थी उसका सोसाइटी में क्या एक इम्पैक्ट था मतलब रोल क्या था तो क्या था कलेक्शन लाइब्रेरीज़ एज़ कलेक्शन वो कलेक्शन डेवलप करती है कलेक्शन बनाती है ठीक है लाइब्रेरीज और क्या करती हैं लाइब्रेरीज एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरी रिसोर्स शेयर करती है लाइब्रेरी एज अ प्रोवाइडर ऑफ़ एक्सेस लाइब्रेरी एज अ प्रोवाइडर ऑफ़ एक्सेस है मतलब एक्सेस प्रोवाइड कर रही है आपको एम्बेडेड मतलब इसमें समाहित है लाइब्रेरी सोसाइटी के लिए ठीक है ना तो इस तरीके से ये चार मॉड्यूल बनाए थे ब्रोफी ने ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं

amount and step had to be taken to secure its development and representativeness ठीक है तो uh, इसे securely डेवलप किया जाता था ठीक है Besides collection, resource organization become increasingly important ठीक है Resource organization थे जो वो बहुत ही important थे because वो resource को gather कर रहे हैं ठीक है ना अगर आपके पास रिसोर्स होगा तभी तो आप रिसोर्स शेयर करोगे अगर आपके पास रिसोर्स नहीं होगा तब आप शेयर क्या करोगे तो वही चीज़ है तो कलेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक है जिस वजह से जो रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए अलॉन्ग साइड द कंसेप्ट ऑफ़ कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू नॉलेज एंड द नीड्स ऑफ द यूजर एज ए इंडिविजुअल स्ट्रेंथन द व्यू दैट द लाइब्रेरी वॉज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ये इस तरीके से व्यू आता है कि क्योंकि कलेक्शन डेवलपमेंट हो रही है और एक इंडिविजुअल की जो नीड्स है वो उस फुलफ़िल कर रहा है तो लाइब्रेरी जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि इस तरीके से रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी के लिए ठीक है और दिस इज़ कंसिडर अ प्रोग्रेसिव व्यू सीइंग द पब्लिक लाइब्रेरी एज अ मीन्स टू स्प्रेड लिटरेसी एंड लव फॉर लर्निंग आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव व्यू है सीइंग द पब्लिक लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो सोसाइटी के लिए स्प्रेड क्या कर रही है लिटरेसी स्प्रेड कर रही है और लव फॉर लर्निंग कर रही है रीडिंग हैबिट भी वो इंक्रीज करती है बच्चों के बीच में ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं जो करेंट मॉडल है लाइब्री का वो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है लाइब्रेरी क्या कर रही है इंटरफेस कर रही है एक इंटरफेस बना रही है बिटवीन यूज़र और वास्ट अमाउंट ऑफ पब्लिश एंड अनपब्लिश इंफॉर्मेशन अवेलेबल ठीक है जो हमारा पब्लिश डेटा है और अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है वो और एक यूज़र uh, जो जिसको रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की उसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है लाइब्रेरी ठीक है मोस्ट लाइब्रेरीज प्लेस ग्रेट एम्फेस जो लाइब्रेरीज है वो बहुत ही अच्छे ढंग से रोल प्ले कर रही है फैसिलिटेटिंग कर रही है सपोर्ट कर रही है किसको लर्निंग को सपोर्ट कर रही है द इशू फॉर लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज़ का इशू क्या है टू प्रोवाइड द रेंज ऑफ सर्विस विच सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग हु चूज़ टू लर्न

कि कैसे वो अपनी जो सर्विस है उसको और अच्छा करे और डायरेक्टली डिलीवर करें लर्निंग को ठीक uh, है एज मैटर ऑफ फैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा पैरागॉजिकल प्रिंसिपल विच विल प्रिंसिपल विल हेल्प लाइब्रेरियंस टू बी मोर इफेक्टिव इन डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग सर्विसेज जो ये प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल हेल्प करता है मतलब uh, लाइब्रेरीज़ को कि वो अच्छे से डिज़ाइन कर सके अपनी लाइब्रेरीज़ uh, को और उनकी जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है उसको और मॉडिट uh, मतलब और अच्छे से सर्विस को डेमोस्ट्रेट कर पाए ठीक है और और अच्छे से सर्व कर पाए वन थिंग मस्ट बी इम्फेस्ड लाइब्रेरीज़ आर फंडामेंटली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम सब जानते हैं लाइब्रेरी क्या है फंडामेंटली वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्विस प्रोवाइड करता है ठीक है ये ये तो हमें एकदम आ, अपने माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि वो सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है ठीक है अब इसमें बोला जा रहा है वट दे डू इन इंटेंडेड टू बेनिफिट पीपल ऑफ़ ऑल एजेस एंड बैकग्राउंड दे आर क्वाइट क्लियरली इन बिजनेस ऑफ हेल्पिंग देयर यूजर्स टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग उनको पता है उनको कैसे सर्व करना है अपने यूजर्स uh, को बट वो कैसे करेंगे ऑल एज़ेस एंड ऑल बैकग्राउंड तो द बोज सर्विस एंड नॉलेज आर फॉर्मली एट द सेंटर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने डिफ्रेंशिएट किए हैं ठीक है ना जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है जो हमारा नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट यूनिट जो होगा हमारा वो टाइप्स ऑफ लाइब्रेज के ऊपर होगा ठीक है तो हम उसमें पढ़ेंगे डिटेल में कि उन्होंने कैसे क्या किया ठीक है तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर कि द पैराडिग्म शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन लाइब्रेरीज तो पैराडिग्म क्या है पहले लाइब्रेरीज क्या थी और मॉडर्न लाइब्रेरी में लाइब्रेरी क्या बन गई ठीक है फ्रॉम टू फ्रॉम टू कस्टोडियन ऑफ बुक्स पहले बुक्स थी सिर्फ अब क्या है सर्विस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ठीक है सर्विस ओरिएंटेड हो गई वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हो गई वन मीडियम थी मल्टी मीडियम हो गई ठीक है मल्टीमीडिया जैसे कि सी मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट किया है लाइब्रेरीज uh, ने ओन कलेक्शन अपना सिर्फ ख़ुद का कलेक्शन था लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स हो गई क्योंकि क्या है लाइब्रेरी क्या हो गई है रिसोर्स शेयरिंग भी हो गई है क्या हो गई है रिसोर्स शेयरिंग ठीक है ना रिसोर्स शेयरिंग से क्या हो गई वॉल्स जो है उनके पास कोई वॉल नहीं है वो विदाउट वॉल्स हो गई है वो बहुत वाइड एरिया में हो गई है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं इन गुड टाइम इन जस्ट एंड टाइम पहले गुड टाइम पे मिल जाती थी मतलब टाइम लगता था पर गुड टाइम में मिल जाती थी ठीक है अब जस्ट एंड टाइम मिलती है मतलब अभी चाहिए तो अभी मिल जाएगी आपको इन सोर्सिंग था आउटसोर्सिंग करने लगे हैं वो ठीक है लोकल रिच था अब ग्लोबल रिच हो चुका है वी गो टू द लाइब्रेरी अब लाइब्रेरी कम्स टू यू लाइब्रेरी आ जाती है आपके पास टेक्नोलॉजी ने लाइब्रेरी को आप तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया ये भी बोल सकते हो अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरी आपके पास आ जाएगी ठीक है ये जो डायग्राम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको याद रहे तो आप एग्ज़ाम में इसे एज आंसर यूज़ कर सकते हो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा मैं ये भी बताऊँगी आपको कि कैसे आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या टेक्निक्स है जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं ठीक है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी अब और देख लेते हैं इंफॉर्मेशन एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटीज़ इंफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट है इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली स्प्रेड करता है अवेयरनेस को इंफॉर्मेशन अगर रहेगी तो आप क्या करोगे अब ग्रो करोगे यहाँ के तीन सोसाइटी के तीन रिलेम्स होते हैं पॉलिटी इकोनॉमी एंड कल्चर जो कि मेजर प्रिंसिपल है इनोवेशन का ठीक है नॉलेज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आर डीम्ड टू बी सोशल वेल्थ वो क्या है वो वेल्थ है सोशल वेल्थ है बेनिफिट ऑफ दिस सोशल वेल्थ शुड बी अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ठीक है वो अवेलेबल होती है हर मतलब सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं हर किसी के लिए अवेलेबल होती है वो सोशल वेल्थ दिस सोशल वेल्थ इज़ अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ फ़िजिकल फॉर्म ये फिजिकल फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकती है बुक्स प्रियऑर्टिकल्स माइ माइक्रोफिल्मस कंप्यूटराइड डेटा बेस ठीक है इस तरीके से भी हो सकती है ऑर्डिनरी ऑर्डीनरी सिटीजन रिक्वायर अ वराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन देयर डेली डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सर्टेंटली अफेक्ट देयर मेंटल ग्रोथ एंड ब्रिंक चेंजेस इन देयर आउटलुक एज अज वेल एज लाइफ स्टाइल ठीक है तो ये जो डेली यूज के लिए भी इस्तेमाल होती है सिटीजन ऑर्डनरी सिटीजन यूज़ करते हैं डेली इंफॉर्मेशन <coughs> उनकी जो डेली यूजेस होती हैं उनको जिससे वो क्या कर पाते हैं अपनी मेंटल ग्रोथ कर पाते हैं ठीक है थेके? और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाते हैं ठीक है बेटर कर पाते हैं ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में बी नोटिस इन द नंबर ऑफ़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ठीक है ना ये नंबर ऑफ़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ पैक करता है सम ऑफ़ दिस एजुकेशन रिसर्च गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ मास कम्युनिकेशन सोसाइटी इट सेल्फ हैज़ अंडर गो सिग्निफिकेंट चेंजेस एट डिफरेंट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ठीक है जैसे कि सोसाइटी जो है अपने में उसने देखा है सिग्निफिकेंट चेंजेस डिफरेंट पीरियड में ह्यूमन हिस्ट्री हो इंफॉर्मेशन यूज हैज बीन साइटेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ दिस चेंजेस क्या है इम्पॉर्टेंट एजेंट है ये चेंजेस करने के लिए ठीक है थ्री स्टेज है इसके आर जनरली आइडेंटिफाइड इन कोर्स ऑफ सोशल्टल इवेल्यूशन दे आर एगेरियन सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ठीक है तो इन सब सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है ठीक है एक वाइटल रोल है जो कि हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन ने किस तरीके से हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाला है तो इस सेशन में इतना ही नेक्स्ट सेशन में हम इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे ठीक है थैंक यू चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना